सो गाइस फाइनली 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 बेब्लेड बर्स्ट टर्बो के एपिसोड्स टीवी पे आना शुरू हो चुके हैं एंड बहुत ही लोगों ने टीवी देख भी चुका है। दो दिन तीन दिन से बेब्लेड बर्स्ट टर्बो टीवी पे आ रहा है और बहुत ही मज़ा आ रहा है। और ये 7 बजे से शुरू होता है और टोटल 7 एपिसोड करके आगे जा रहा है। मतलब एक दिन 7 एपिसोड दिखाते हैं हमको मॉर्निंग में बेब्लेड बर्स्ट टर्बो के। सो यार शुरू से ही दिखाना स्टार्ट किया है एंड जैसा कि हमको पता है एपिसोड 33 या 34 तक हमको लास्ट बार दिखा के खत्म कर दिया था, दिखाना बंद कर दिया था। लेकिन इस बार क्या वो फिर से उसके बाद से एपिसोड दिखाने वाले हैं, क्योंकि तमिल और तेलुगु का डब भी कंप्लीट हो चुका है इस बार। सो हाँ गाइस, आज हम शेड्यूल देख के बस इसी के बारे में ही बात करने वाले हैं कि न्यू एपिसोड्स भी क्या परसों तक आ जाएंगे जितनी जल्दी ये आगे जा रहा है एपिसोड्स। तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए गाइस और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके अपने वीडियो को अब स्टार्ट कर देते हैं। सो गाइस जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये है ट्यूसडे का शेड्यूल और यहाँ पर लास्ट एपिसोड में हमको 9:06 पर जो एपिसोड देखने को मिलने वाला है उस एपिसोड में मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो आपको यहाँ पर दिख रहा है 36 एपिसोड। मतलब यार बहुत ही बढ़िया चांस है इस बार, मतलब 36 एपिसोड जो एपिसोड है पिछले एपिसोड के मुकाबले ये जो 36 एपिसोड है ये न्यू एपिसोड्स है। सो ये देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और यहाँ पर न्यू एपिसोड भी दिखा रहे हैं। देखो यार ये जो शेड्यूल है वो मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं आज का डेट ज़रा चेक करता हूँ। आज है 25 जुलाई ठीक है, आज है 25 जुलाई तो आज मैं ये शेड्यूल आपको दिखा रहा हूँ। बाद में शेड्यूल चेंज होगा या नहीं होगा ये मुझे नहीं पता, शायद चेंज हो भी सकता है। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि जितने स्पीड से ये आगे बढ़ रहा है एपिसोड उतने स्पीड से ही वो हमको न्यू एपिसोड भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर 36 एपिसोड यहाँ पर हमको दिखा रहे हैं और उसके बाद अगर मैं जाऊँ वेडनेसडे को तो वेडनेसडे का जो लास्ट एपिसोड है मैं पहले फर्स्ट एपिसोड ही देख लेता हूँ। यहाँ पर 44 एपिसोड वेडनेसडे को फर्स्ट हमको देखने मिलने वाला है। उसके बाद बेब्लेड जो यहाँ पर देख रहा है 9 बजे जो लास्ट एपिसोड आने वाला है उसमें हमको एपिसोड 48 देखने को मिलने वाला है। मतलब पूरा न्यू एपिसोड बाजी हो रहा है, यहाँ पर हमको वेडनेसडे न्यू एपिसोड देखने को मिलने वाला है एंड ट्यूसडे को भी हमको न्यू एपिसोड्स देखने को मिलने वाले हैं बेब्लेड बस टर्बो के। तो गाइस बहुत ही मजा आने वाला है, इस बार बेब्लेड बस टर्बो को फुल सपोर्ट देना ताकि वो हमको पूरा एपिसोड्स दिखाएं और बाद में स्टॉप ना कर दे। तो फुल सपोर्ट देना, मॉर्निंग होते हुए भी आप थोड़ा सा जल्दी उठ के इसको सपोर्ट देना जब न्यू एपिसोड्स आएंगे। और लास्ट में तो हमको बॉल्ड वर्सेस आइगर और फ्री वर्सेस आइगर देखने में बहुत ही काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो उसको मिस मत करना। तो न्यू एपिसोड्स भी आना स्टार्ट हो चुके हैं। सो अब देखना है कि अब बाद में शेड्यूल चेंज होता है न्यू एपिसोड ओल्ड एपिसोड में कन्वर्ट हो जाएंगे या नहीं। अगर हुए तो मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट के द्वारा अपडेट कर दूंगा। तो तब तक के लिए इन्जॉय करो यार, वॉइस आर्टिस्ट भी बोल रहे हैं आइगर का जो ऑफिशियल वॉइस आर्टिस्ट है मार्वल एचक्यू के मोहित सिन्हा सर, वो भी बोल रहे हैं कि न्यू एपिसोड्स आ सकते हैं। सो आप विश्वास कर सकते हैं थोड़ा बहुत, बाद में चेंज हुआ तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कम्युनिटी पोस्ट के जरिए। अभी तो यहाँ पर न्यू एपिसोड्स दिखा रहे हैं कि आएंगे। सो मज़े करिए यार, ये गुड न्यूज़ है तो मज़े करिए बेब्लेड बस टर्बो के फैंस खासकर। तो यार आज का अपडेट था इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर न्यू हो तो यार क्या कर रहे हो, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो यार, हमको 4K सब्सक्राइबर्स जल्दी से जल्दी कम्प्लीट कर दें। जी हाँ, हमको 4K सब्सक्राइबर्स तक जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके कंप्लीट करने हैं। मैं हूँ ड्रैगन एम्पर रयू का, अगर मेरा ओपोनेंट कोई भगवान भी हुआ फिर भी मैं ही जीतूंगा। योर एनिमे का इस बेस्टेस्ट यूट्यूबर इन द यूनिवर्स।